मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय पर कॉलेज के छात्रों को पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति व आवास भत्ता नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने एसी कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। वहीं पिछली बार ज्ञापन देने पर एसी विवेक पांडे को छात्रवृत्ति समय से नहीं मिलने पर इस्तीफा देने की बात याद दिलाई और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के कुल 2202 आवेदन दिए गए थे, जिसमें 1856 स्वीकृत किए हुए थे, जिसमें कुल राशि 2,69,250 रुपये की राशि छात्रों के खाते में डालनी थी, लेकिन अधिकांश छात्र अभी वंचित है, जिससे खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। सत्र खत्म होने के बाद भी 3 से 4 बार ज्ञापन दे चुके छात्रों ने एसी विवेक पांडे को अपने इस्तीफे देने की बात याद दिलाई और चेतावनी दी कि अब यदि छात्रों की छात्रवृत्ति व आवास की राशि नहीं दी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी रहेगी। वहीं एसी विवेक पांडे किसी भी प्रकार की बात पत्रकारों से इस मुद्दे पर करने से बचते नजर आए। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। यहाँ पर आवास भत्ता छात्रवृत्ति की राशि महाविद्यालय बड़वानी में पढ़ने वाले छात्रों की अभी तक नहीं है, उस समस्या को लेकर हम कब से ये परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी पिछले साल से, पिछले साल जुलाई अगस्त में वर्ष 2018-19 का शैक्षणिक सत्र के प्रवेश हुए थे, मगर आज दिनांक तक पूरा वर्ष बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति नहीं है। उसके लिए हमने करीब 4 बार आंदोलन किए हैं, ट्राइबल विभाग भी आए हैं और कॉलेज प्रशासन के पास भी गए हैं। वो हर बार अलग अलग बहाना बनाकर टाल देते हैं कि आ जाएगी। पिछले 11 जुलाई को हम इसी कार्यालय में आए थे और यही सब छात्र मौजूद थे, मैं खुद भी था। यहाँ पर हमने कहा था कि साहब कब तक होगा, तो साहब ने कहा था, इसी साहब ने, कि 14 दिन के अंदर आप लोगों की छात्रवृत्ति या आवास भत्ता की राशि नहीं मिलती है तो हम इस्तीफा दे देंगे अपनी सीट से। इतनी तक की बात कर दी थी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या करोगे अगर छात्रवृत्ति समय से नहीं मिलेगी? अभी एसी साहब आते हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, वो क्या बात करते हैं, हमारी समस्या किस हद तक पूरी करते हैं, नहीं तो हम इस ट्राइबल विभाग का और कॉलेज को पूरा घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन कॉलेज में भी मतलब ज्ञापन दिया था। हाँ, अभी हमने आज कॉलेज में भी दिया था। उनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है हमने हमारी ओर से सेंशन कर दी है राशि, अब ट्राइबल विभाग के हाथ में। मध्य प्रदेश के